जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेविंग बैंक या फिर रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट क्लोजर फॉर्म, अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको फिल तभी करना पड़ता है जब आपका जो आरडी अकाउंट है इसे आप क्लोज करना चाहते हैं या फिर सेविंग अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, सेविंग्स के लिए एक अलग से फॉर्म यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है ये मल्टीपर्पज एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें सेविंग अकाउंट क्लोज करने के लिए एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे किसी और वीडियो में। आज हम जानेंगे कि हम अपना आरडी अकाउंट यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट इसे हम किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आरडी अकाउंट का नंबर और लेजर नंबर आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिखिए, लेजर नंबर एक तो रहता है वो आरडी का एक बड़ा स्लिप मिलता है ना, उसमें लेजर नंबर रहता है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए दोनों का नंबर इसमें आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेट डालिए, मैं आज के डेट में इसे बना रहा हूं तो यहाँ पे मैंने डेट डाला हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन, एक है यहाँ पे नंबर्स वाला, दूसरा है वर्ड्स वाला। मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, बैलेंस, इंटरेस्ट और ये टोटल अमाउंट ये क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने आरडी यहाँ पे जमा कर रहे थे, आप 500-500 करके जमा किया है आपने, एक साल, दो साल, पाँच साल, ऐसे करते करते आपका यहाँ पे 30,000 रुपये जमा हो चुका है और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा और टोटल कितना होगा ये आपको बैंक वाले बताएंगे। तो आप बैंक के ऑफिसर जो हैं उनसे बात करिए कि सर मेरा जो आरडी है मैं उसे क्लोज करना चाहता हूँ, तो कितना मतलब मेरा हुआ है और कितना इंटरेस्ट उसमें लग रहा है और टोटल अमाउंट कितना हो रहा है ये आपको वो बताएंगे। इसको यहाँ पे पूरा लिखने के बाद उसी अमाउंट को, इस टोटल अमाउंट को आपको यहाँ पे रुपीस ऐसे वर्ड्स में करके लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 35,000 हुआ है, 30,000 प्लस 5,000 35,000, तो यहाँ पे मैंने 35,000 पूरा वर्ड में लिखा हुआ है, 35,000 ओनली। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब है, आप लोग बस संभाल लो। हो गया, अब देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर अपना डालना है। यहाँ पे भी आप अकाउंट नंबर लिख सकते हैं या फिर यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। वो क्यों डालना है, देखिए इतना जो अमाउंट है आप आरडी अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं तो इतना अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाना चाहिए विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज के साथ आपका यहाँ पे आपके उस सेविंग्स अकाउंट में आपके आरडी का पैसा जो है पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, इसलिए ये वाला अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया है, आप अपना SBI का सेविंग्स अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो आप क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे वो पैसा आपका डिपॉजिट होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझ गए आप, ये वाला पार्ट जो है ये आपके यहाँ पे ब्रांच मैनेजर के लिए है, मतलब वो लोग यूज करेंगे, बैंक वाले यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जो पास कर रहे हैं, जो डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे वो लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहें कर सकते हैं और इधर भी। ठीक है, सिग्नेचर वो वेरीफाई करेंगे, वही वाला सिग्नेचर आपका सेम मैच होना चाहिए क्योंकि वो अपने डेटाबेस में चेक करेंगे आपका सिग्नेचर मैच हो रहा है या नहीं। और इसके साथ आपको रेकरिंग डिपॉजिट का वो पेपर जो है, वो जो पासबुक टाइप का रहता है, उसको आपको यहाँ पे लेके आना है, वो सबमिट करना है क्योंकि वो अकाउंट क्लोज होगा इसलिए उसे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड उसका जेरॉक्स भी लेके जाना पड़ेगा, हो सकता है वो ओरिजिनल भी देखें वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इतना ही फिल करना होता है आपको रेकरिंग डिपॉजिट क्लोज करने के लिए जो फॉर्म है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्प मिली हो कुछ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में किसी और फॉर्म के साथ, तब तक के लिए जय सियाराम।